हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फेशियल हेयर रिमूवर के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट आपको एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में आपको डालना है बेसन, एंड बेसन डालने के बाद आपको डालना है हनी। अगर आपके पास हनी ना हो तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप ग्रीसलिन यूज़ कर सकते हो या तो कोकोनट ऑयल। तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप तीनों में से वही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालना है एंड इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करना है आपको और अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप अपने फेस पे, क्लीन फेस पे आपको अप्लाई करना है। इस ये जो बैटर है इसको थिक पेस्ट बनाना है आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इससे हमें अपने चेहरे के बालों को रिमूव करना है। सो इसीलिए आपको थिक पेस्ट लगाना है अपने फेस पे। पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है एंड इसे रखना है कम से कम 10 से 20 मिनट तक। एंड 10 से 20 मिनट जब ये हल्का ड्राई हो जाए उसके बाद आपको रिमूव करना है। सो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, 100% सेफ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नेचुरल हेयर रिमूवर का काम करता है। सो आपके फेस के लिए आप कोई भी क्रीम अप्लाई ना करें, सबसे अच्छा होममेड सस्ता तरीका है आपके अपने फेस के बालों को निकालने का। सो डेफिनेटली आप इसे ही ट्राई कीजिए और किसी चीज़ों को यूज़ ना करें, उससे आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। ये नेचुरल तरीका है हेयर रिमूव करने का, फेशियल हेयर रिमूव करने का। सो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जब आपका ये फेस का जो पैक है वो हल्का हल्का ड्राई हो जाए तो आपको रिमूव करना है अच्छी तरह से। जब हम इसे इस तरह से रिमूव करते हैं ना तभी हमारे फेस के बाल निकलते हैं। सो इसीलिए आपको अच्छे से रिमूव करना है आपको अपने पूरे फेस का, ये जो पैक हमने लगाया था उसे पूरी अच्छी तरह से रिमूव करना है। एंड इसके लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे फर्स्ट इसको लगाने से आपके फेस के हेयर रिमूव तो होंगे ही होंगे, लेकिन इससे आपके फेस में एक अच्छा सा ग्लो आएगा एंड शाइन आएगी। एंड आपके पिगमेंटेशन की भी जो प्रॉब्लम होगी उसको भी ये दूर कर देगा बहुत ही नेचुरली एंड बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको कम से कम ऐसी चीज़ें कम से कम 10 दिन तक अप्लाई करना चाहिए या तो हफ्ते भर, उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसे एंड 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। सो गाइस, आपको पूरे फेस को अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है पैक को, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। पानी ज़्यादा ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी होना चाहिए। एंड जब आप अपने फेस को वॉश कर लोगे ये देखिए तो मेरी आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी, शाइन करेगी, आप खुद ही देख सकते हो रिज़ल्ट, कितनी ज़्यादा स्किन क्लीन दिख रही है एंड हेयर रिमूव हो चुके हैं मेरे फेस के थोड़े बहुत जो होंगे। सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।